सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहला और छोटे को ढेर सारा प्यार। मैं दीक्षा अजय बोरा भरकटिया पिथौरागढ़ से स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल द सेटअप ब्लॉग्स में। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, नए दिन से नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत मेरी रही सुबह के 9:30 बजे से। फिलहाल आज के ब्लॉग की शुरुआत जो रही किचन से हो रही है और नाश्ता बन चुका है, तो नाश्ता करते हैं थोड़ी देर में। आजकल नाश्ता खाना सब चीज़ हमारा लेट लेट हो रहा है क्योंकि आजकल सभी का थोड़ा सुबह मतलब उठने नहीं देती जल्दी जल्दी, तो इस वजह से लेट हो जाता है। और दिन में भी मतलब मम्मी बना रही है अच्छा खाना और रात को भी मैं सिर्फ सुबह का नाश्ता बना रही हूँ और फिर सुबह के लिए छोड़ भी नहीं सकते हैं इस वजह से। और आज है आठू और जन्माष्टमी, तो आप सभी लोगों को आठू और जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम अपनी सिविका को राधा रानी बनाने वाले हैं, तो देखते हैं कैसे इसका फोटोशूट किया जाए। आज काश वो उठे रहती तो सही रहता, उठ के ज़्यादा अच्छी लगेगी ना, क्योंकि जब हमने उसका फर्स्ट मंथ फोटोशूट करा था तो उसमें वो सोई थी, उठी नहीं, बड़ी मुश्किल से उसे चुप कराया था। लेकिन आज देखते हैं जो भी होगा जैसा भी होगा। बाकी ऐसे ही बने रहिए ब्लॉग में, पूरा ब्लॉग देख के जाना और हमारी राधा रानी को जरूर देखना। दोस्तों नाश्ता वगैरह हमारा हो चुका है और सीका को भी दूध पिला के सुला दिया है। बाकी पतिदेव चले गए हैं बाल कटवाने के लिए और आज थोड़ा कम कपड़े थे सीका के धोने, तो पतिदेव ने वो भी धो लिए हैं इसके कपड़े। बाकी आज का मौसम दिखाती हूँ, अभी तक तो बहुत तेज धूप आई हुई थी लेकिन अभी बादल लग गए हैं और मैंने पानी लगा रखा है नहाने का, गर्म पानी करने के लिए रखा है, तो फटाफट से फिर मैं नहाती हूँ उसके बाद, पानी गर्म होता है जब। तो मौसम सुनहरा मेरा हो चुका है, अब फटाफट से टीका चंदन कर लेते हैं और उसके बाद सिविका के उसकी तैयारी करती हूँ फटाफट से। दोस्तों टीका चंदन तो मैंने कर लिया है अपना और वहाँ पे मैं सजाने लग गई थी, तो मैंने सजा लिया है, आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या किया करके। तो सबसे पहले यहाँ पे व्हाइट कलर की चादर बिछा दी है और ऊपर से ये जो चार मोरपंख इस साइड को लगाए हैं और चार मोरपंख इस साइड को, और ये माला है, ये दीपावली की लड़ी है। लड़ियाँ तो हमारे पास बहुत सारी थी, ये भी रही और ये भी रही, लेकिन वो पीली और हरी वाली लड़ी सही लग रही थी तो इस वजह से मैंने वो वाली लड़ी लगा दी है। बाकी अब सीका को क्या पहनाने वाले हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। सीका के माथे पे रेड कलर का गोल टीका और चारों ओर से पीले कलर के डिप 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 करके टिपके लगाऊंगी मैं, क्योंकि व्हाइट कलर के लगा नहीं सकती, उसको एलर्जी भी हो सकती है व्हाइट कलर के कलर से, क्या पता स्किन का भी कुछ पता नहीं है ना उसकी, इस वजह से तो यही लगाऊंगी चंदन और टीका। तो सबसे पहले तो एक गजरा मंगा रखा है मैंने इसके हाथ और पाँव में बांधने के लिए, पाँव में तो दिखेगा नहीं क्योंकि इसके कपड़े ना थोड़े बड़े हो रहे, थोड़े ढीले होंगे शायद इसके लिए, ब्लाउज ढीला होगा, उसका लहंगे का तो पता नहीं चलेगा क्योंकि वो नाड़ा वाला है लहंगा। ये रहा इसका ब्लाउज, पीछे से ऐसा है पर अभी ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि इतने छोटे बच्चों के कपड़े नहीं आते, कहते वो कहती है 5-6 महीने के बच्चों से लेके आते हैं राधा के कपड़े, उससे पहले के बच्चों के नहीं आते, तो इस वजह से इसको बड़े हो रहे हैं कपड़े, ये बड़े होंगे मतलब अगले साल आएंगे अच्छे से फिट। और ये इसका है घाघरा, नाड़े वाला घाघरा है ये। बाकी इसके सर पे वैसे पिछौड़ा लगाऊंगी, है तो भारी है पिछौड़ा, इसका पिछौड़ा नहीं लेके आई है और ना मुझे याद रही पिछौड़ा मंगाने की, अब अगली बार इसका पिछौड़ा मंगाऊंगी या तो उस टाइम तो ये वाला भी आ जाएगा इसको। और इसका है मुकुट, छोटा सा प्यारा सा मुकुट है, ये रहा इसका मुकुट, अभी इसको इसके सर पे नहीं आ रहा था ना तो एडजस्ट करने के लिए पीछे से धागा बांध रहा, धागा बांध रखा था उसमें। बाकी ये रहे सिविका के कपड़े और अब हम पहले सिविका को तैयार करते हैं, जैसे तैसे उठाती हूँ, पहले से तो सोई है दोस्तों। यहाँ पे हो चुकी है हमारी सिविका तैयार और ये जैसे तैसे इसको तैयार कर रखा है और सिविका को लिटा दिया है और अब इसका फोटो शूट कर रहे हैं पतिदेव। थोड़ा थोड़ा उठ रही है, थोड़ा थोड़ा सो रही है, इसका जो ऊपर का ब्लाउज है थोड़ा फैला हो गया क्योंकि इतने छोटे बच्चों के लिए राधा के कपड़े मिलते ही नहीं है, जैसे तैसे इसका फोटो शूट करना चाह रहे हैं हम। दिख रही इसका एक दो फोटो भी खिंचाने दीजिए दोस्तों। यहाँ पे चल रहा है सिविका का फोटो शूट और इसका ब्लाउज थोड़ा हो गया बाबू। तो ये रही हमारी राधा रानी, यहाँ पे थोड़ा अजीब सा आ रहा है लेकिन हमने फोटो खींच ली है। गुन्यू ये रही राधा रानी हमारी, ऐसा लग रहा है जैसे
अजीब सा काला काला सा रहा है, लेकिन अभी ये उठी है थोड़ा बहुत। बिन्ने हाँ अच्छी अच्छी फोटो आ ली आपकी तो। अब तो फोटो शूट भी हो गया। आ जाओ जल्दी आओ जल्दी आओ, रील बनाते हैं इसकी कवर से, एक खाना वाना भी खाने। दोस्तों जैसे तैसे सिरका का फोटो शूट तो कर दिया है, लेकिन मैंने सोचा था कि मैं इसके साथ फोटो खींचूंगी, इसलिए मैंने आज सूट भी पहनी थी और फिर मैं मैक्स ही पहन रही थी। मैंने कहा सूट पहन लेती हूँ, एक बार फोटो शूट करूंगी, लेकिन ना ये रोने लग गई थी, इस वजह से सिर्फ इसका फोटो शूट करा और आधे फोटो शूट में तो ये सोई थी और बाकी ये थोड़े कुछ फोटो में इसने आंखें खोली हैं। तो मैं आपको वैसे कैमरे से ही दिखाती हूँ, कैमरे में चला के दिखाती हूँ सारी फोटोज। इसकी वीडियो बनाने के लिए ना अंधेरी अंधेरी सारती थी वीडियो, और आप पति देव को मैंने सिर्फ इसकी फोटो खींचते टाइम ही दिखाया आप लोगों को, क्योंकि वो बिजी थे सुबह, वो इसको चुप करा रहे थे, मैं नीचे खाना बना रही थी, फिर जब वो खाना खा रहे थे तो मैं ऊपर आई थी, फिर मैं नीचे खाना खा रही थी तो वो ऊपर आए थे, फिर उसके बाद वो बाल वगैरह काटने के चले गए थे, वहां से आई बाइक धोई उन्होंने अपनी, नहाया और फिर हमने इसका फोटो शूट किया, फोटो शूट करा तो फिर वो चले गए थे खाना खाने के लिए नीचे, और अब वो चले गए हैं मम्मी के साथ गाँव, क्योंकि आज आठू है। तो आठू के दिन पिछले साल जिसने मेरा आठू वाला व्लॉग देखा होगा, जिसने नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, एक बार आप जरूर देखने वाला व्लॉग आठू वाला कि क्या क्या होता है गाँव में आठू के दिन। मैंने पिछले बार लिखा था महादेव और गौरा माँ की शादी लिखा था, लेकिन वो कहानी मुझे अच्छे से पता नहीं थी तो उसके मैंने शादी कहा था, पर लेकिन हाँ होता है कि उनकी शादी होती है, लेकिन ऐसा होता है कि गौरा माँ शिव भगवान से रूठ के आती हैं अपने मायके, फिर बाद में जब शिव भगवान उनको मनाने के लिए मायके आते हैं ना, तो मायके आते हैं तो उनको वैसे ही विदा किया जाता है, दुल्हन के रूप में ही विदा किया जाता है, इस वजह से ये आठू बनाई जाती है। सातों के दिन गमरा माँ को तैयार किया जाता है और आठों के दिन गमरा और मैसर जो है उनकी विदाई करी जाती है। बाकी जहाँ पे मैं सिविका की वीडियो बनाई थी ना, वहाँ पे अंधेरी अंधेरी सार थी, क्योंकि कैमरे से तो फ्लैश ऑन होके वीडियो सही आ रही थी, लेकिन फोन में क्या होता ना, इसमें मैं अगर फ्लैश ऑन करती हूँ ना अच्छी नहीं आती वीडियो, तो मैंने फ्लैश ऑन नहीं किया, तो इस वजह से जीप सी काली काली सी आ रही थी वीडियो, और ये भी काली सी लग रही थी बेचारी उसमें, लेकिन वैसे आप फोटो देखोगे ना तो अच्छी लगेंगी, फोटो मैं इसमें भी डाल दूंगी। अभी जब पतिदेव आएंगे ना घर से, अभी तो गए हैं, अभी 4 बजने वाले हैं और वो शाम को आएंगे 6-7 बजे आएंगे, तो उसके बाद जब एडिट करूंगी तो उस टाइम डालूंगी सारी फोटो। बाकी अभी सिविका सो गई है तो हम भी सो जाते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि फिर ये उठ जाएगी और घर पे सिर्फ पापा जी मैं और ये ही हैं, फिर पापा जी के लिए चाय भी बनानी होगी, तो मैं मतलब उनको कुछ ये होगा ना, क्योंकि एक तो पाँव में लगी ना, वो कहीं रूम से जा भी नहीं रहे हैं इस वजह से। तो यहाँ से स्टार्ट होती हैं सिविका की फोटोज। अभी आगे से आंखें खोली दिखाते हैं आपको, बड़ा मुश्किल होता है सिविका को चुप कराना, उसकी फ़ोटो खींचना, इसमें आपको क्लियर दिख नहीं पा रही होंगी, लेकिन दिखेंगी जरूरी है, मैं अपलोड करूंगी फ़ोटो। ये यहाँ पे उठी थी, ये थोड़ा यहाँ पे भी। मम्मी आ गई हैं गांव से मेरे देखभाल के लिए, और मौसा जी बड़ी दूर से पापा को देखने के लिए ना, पापा के वो देखने तो आए हो फिर पापा को, क्या बोलते हैं चलो आप बोलो मासा जी कुछ तो, वो क्या बोलते हैं, हेलो हाय कुछ बोल दो इसमें, हेलो हाय क्या, हाय गाइस मिठाई खाओ मिठाई, ठीक है, से आया हुआ आठू और मिठाई बहुत ठंडी हो रखी है, धन्यवाद। लोग सोचेंगे मासा जी के हाथ में सिगरेट, क्योंकि सिगरेट की तरह पकड़ा है इंजरी हो रखी है। दोस्तों रात का खाना हमारा हो चुका है और जो दुग्धा का था वो आज वाला आठू वाला वो मैंने पहन लिया है, पिछले साल भी पहनता है इसको, पिछले साल तो फास्ट था, इस साल नहीं था, लेकिन मम्मी कहती कि इसको पहनते हैं करके, तभी मैंने ये इस बार भी पहना, और हाथ वाला भी कल बाधा हुआ था, हाथ वाला भी पहना। बाकी आज का जो व्लॉग है इतना ही रखते हैं, आज का व्लॉग छोटा बना है क्योंकि फिर बाद में मैं सिविका को ऊपर छोड़ के ना नीचे खाना बनाने चली गई थी, और जैसे ही उठी तो फिर इसको दूध पिलाना वगैरह, तो इस वजह से व्लॉग जो है छोटा बना, और फिर पतिदेव भी चले गए थे तो इनके साथ बनता है थोड़ा बहुत व्लॉग, ये भी गाँव चले गए आज दिन भर ये बिजी ही थे इस वजह से, और अभी ये सिविका को सुला रहे हैं, आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। बाकी आज का जो व्लॉग है इतना ही रखते हैं, यही था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड प्लीज़ बेल आइकन भी प्रेस कर देना, और जरूर ये भी बता देना कि हमारी सिविका कैसी लग रही थी। बाकी मिलते हैं आपको नए व्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने घरों में सुरक्षित रहिए। जय देवभूमि उत्तराखंड, बाय।